आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईजीपी अलोंग विद बीजीपी एंड अप्लाई द टीटीएल सिक्योरिटी, राइट। ये जो टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की हुई है, इसमें देखिए मल्टीपल राउटर्स लगा रखे मैंने, R1, R2, R3, R4 एंड R5। ओके, अभी मैंने इस टोपोलॉजी के अंदर EIGRP प्रोटोकॉल की राउटिंग कर रखी है, EIGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं अब बीजीपी IBGP या EBGP नेबरशिप बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले IGP कॉन्फ़िगर होगा। इससे पहले मैंने क्या, पहले वाली लैब में मैंने ये बताया था कि लूपबैक के लिए आप लोगों ने एक स्टेटिक राउट दिया था रीचेबिलिटी के लिए, बट मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक सिंगल AS है। इस सिंगल AS के अंदर जो इंटरनल IGP प्रोटोकॉल चल रहा है वो EIGRP चल रहा है। मैंने इस पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है, अभी आपको शो करा दूंगा, क्योंकि EIGRP की बेसिक राउटिंग तो आपको आती होगी, तो आप इस तरीके से एक टोपोलॉजी बनाइए और उस पे EIGRP राउटिंग कर दीजिए पहले, ठीक है। इस तरीके से लूप बैक्स और कनेक्टेड इंटरफेस के साथ एक EIGRP राउटिंग करिए, और उसके बाद करने के बाद अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ, मेरे राउटर, मेरे पास तो कनेक्टिविटी है, क्योंकि अगर मैं चेक कराऊँ आपको 100 IP रूट EIGRP, राइट। तो देखिए मेरे पास EIGRP के सभी रूट्स आ रहे हैं, 1 की नेट इन्फॉर्मेशन 2, 3 एंड डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स 112, 113 एंड 114, सभी नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट है। R5 राउटर की बात कर रहा हूँ मैं, R5 पे जो लूपबैक है वो 5.5.5 है एंड R1 पे लूपबैक 1.1.1 है। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कराना चाहूँ तो आपको चेक करा सकता हूँ कि मैं पिंग कर रहा हूँ R1 के लूपबैक को विद सोर्स 5.5.5.5 के साथ, राइट। 100% सक्सेस रेट, इट मीन्स EIGRP प्रोटोकॉल जो मैंने इनेबल किया उसके थ्रू रीचेबिलिटी है कंप्लीट नेटवर्क के अंदर, ओके, कनेक्टिविटी है। बट मैं अब ये कहने वाला हूँ कि मैं अब IBGP नेबरशिप क्रिएट करूँगा R1 एंड R5 के बीच में, तो ईजिली क्रिएट हो जाएगी IBGP नेबरशिप। क्यों? क्योंकि इधर रीचेबिलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से रीचेबल हैं, पहले से कनेक्शन में है लूप बैक टू लूप बैक, राइट। इसलिए अगर IBGP नेबरशिप क्रिएट करूंगा तो ईजिली IBGP नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 राउटर पे आ जाता हूँ, और R1 पे मैं राउटर BGP AS नंबर ले लेते हैं 100 एंड नेबर मैं 5.5.5 जो कि लूपबैक है, रिमोट AS ले लेता हूँ 100, क्योंकि IBGP नेबरशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं R1 और R5 दोनों के बीच में किस तरीके से नेबरशिप क्रिएट हो रही मैं वो बता रहा हूँ, और इसका आइडिया आपको होगा। बट मैंने पहले स्टेटिक राउट के थ्रू बताया था, और इस पर मैंने EIGRP राउटिंग क्रिएट कर रखी, मीन्स IGP प्रोटोकॉल कॉन्फिगर कर रखा इंट्रा AS में, ओके। अपडेट सोर्स लूपबैक 1, सिंपल है, ये सेम कॉन्फिग्रेशन मैं R5 पे इस तरीके से करता हूँ, और नेबरशिप आपका अप हो जाएगा राउटर BGP 100, सेम AS की बात कर रहे हैं हम लोग, नेबर मैं 1.1.1.1 के साथ अंदर रिमोट AS इज 100 एंड लूपबैक की बात करेंगे हम लोग, एंड जस्ट मिनट, अपडेट सोर्स लूपबैक 1, ओके। देखिएगा नेबरशिप अप हो गई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सीधा सा मतलब है कि IGP प्रोटोकॉल इंटरनली AS में रन कर रहा है, इसलिए मैं IBGP नेबरशिप इनडायरेक्टली राउटर्स के बीच में क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो इजली हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इन्हीं R1 एंड R2 के बीच में, देखो IBGP नेबरशिप आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपको TTL मिलेगा 255, देखिए 100 IP BGP नेबर, इधर आपको जो TTL शो करेगा ना, ये देखिए आउटगोइंग TTL कितना है 255, और मिनिमम TTL कितना है, कह रहा मिनिमम TTL रिसीव वो कर लेगा 0 मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा कोई TTL अगर करके वैल्यू भेजेगा तो वो रिसीव कर लेगा, बट आउटगोइंग जब ये कोई अपडेट आगे भेजेगा तो TTL वैल्यू अटैच करेगा 255, ओके। तो इसके बारे में भी और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं TTL सिक्योरिटी आपको बताऊंगा ना, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी ये क्रिएट हो चुकी है इंटरनल लिंक, मतलब IBGP नेबरशिप डन, ये आपको पता भी था अच्छे से, ओके। ये पार्ट आपका कंप्लीट।
अब मैं ई बी जी पी नेबरशिप क्रिएट करने वाला हूँ R1 एंड R5 के बीच में, बट आपको ये पता होना चाहिए ई बी जी पी नेबरशिप में अगर मैं इस पोजीशन में R1 एंड R5 के बीच में अगर मैं ई बी जी पी नेबरशिप क्रिएट करूँगा, इसके बाद मैं डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल को भी डिसेबल करूँगा तब भी नेबरशिप अप नहीं होगी, राइट। बिकॉज है क्या कि जो हमारा ई बी जी पी नेबरशिप जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे TTL 1 होता है। अब आप समझिए R5 से कोई अपडेट R4 के पास आएगा, R4 एक TTL वैल्यू को लेस करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इसको प्रोसेस नहीं कर पाए, ओके। तो उस कंडीशन में R1 एंड R5 के बीच में जो TTL वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, R5 से R1 तक जाने के लिए TTL वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, मिनिमम 4 TTL वैल्यू होनी चाहिए, राइट। बट EBGP के अंदर तो TTL वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती, तो किस तरीके से TTL वैल्यू ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से TTL सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ओके। तो सबसे पहले मैंने जो IBGP नेबरशिप बनाई है मैं उसको क्या कर देता हूँ, रिमूव, नो राउटर BGP 100, ओके। R5 राउटर पे भी मैं कर देता हूँ नो राउटर BGP, ओके। अब मैं EBGP नेबरशिप क्रिएट करता हूँ, R1 राउटर से स्टार्ट करते हैं, राउटर BGP R1 का 100 ले लेता हूँ मैं AS और R5 का 500 AS रखते हैं, ओके। नेबर 5555 एंड रिमोट AS जो रहेगा हमारा यहाँ पे वो रहेगा 500, ओके। R5 पे 500, तो ये EBGP नेबरशिप क्रिएट हो, लूप बैक है तो अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ओके। ऐसे ही मैं R5 राउटर पे भी क्रिएट कर सकता हूँ, राउटर BGP 500, ओके। नेबर 1.1.1.1 एंड रिमोट AS इज 100, ओके। अब मैं इसको अपडेट सोर्स लूपबैक, देखिए मैंने नेबरशिप क्रिएट कर दी बट नेबरशिप अप नहीं होगी। नेबरशिप अप नहीं होने के पीछे रीजन डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल का यहाँ पर कोई सुनी, अगर आप उसको डिसेबल भी करोगे उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको करना है तो आप चेक कर सकते हो। राइट, मैंने डिसेबल कनेक्टेड चेक रूल R5 पे भी रन करा दिया, और अगर आपको चेक करना है तो R1 पे भी मैं करा देता हूं, अगर इसकी वजह से राइट फिर भी नेबरशिप अप नहीं होगी। क्यों नहीं नेबरशिप अप होगी, क्योंकि जो TTL मिनिमम TTL कितना होना चाहिए, मिनिमम TTL 4 होना चाहिए। अगर आप ऐसे रीचेबिलिटी चेक करो कि आप ऐसे कर लो ट्रेस राउट और 5 R1 राउटर पे हैं और मुझे 5 पे जाना है, तो मैं 5.5.5.5 को करता हूँ, राइट। तो TTL कितना होना चाहिए, तो TTL अभी तो वैसे मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट होप आप काउंट करोगे तो इधर 4 होना चाहिए, वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको इधर भी मिलेगी, राइट, वही सेम इन्फॉर्मेशन इधर भी मिलेगी, बट वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अगर आपको चेक करना है, आपका पहले 112 हो गया, सेकेंड की इन्फॉर्मेशन 113, के 113, देन 114 एंड 115। तो आपका जो मिनिमम TTL कितना होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो अगर मैं TTL वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। तो इशू क्या आ रहा है, मेन इशू कि TTL वैल्यू लेस है, राइट। और आपको पता है राउटर पे अगर TTL वैल्यू 1 माइनस करने के बाद 0 हो जाती है तो राउटर उसको पास उस अपडेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ओके। तो मैं अब R1 राउटर से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, राउटर BGP 100 और इसमें मैं नेबर 5.5.5 है, ओके। और मैं इधर क्या करता हूँ, EBGP मल्टी होप, इस कमांड की हेल्प से अगर मैं इधर मिनिमम मल्टी होप 4 कर देता हूँ, आप 5, 6, 7, 8 भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे जितनी अभी रिक्वायरमेंट है वो ये आ रही कि मिनिमम मल्टी होप कितना होना चाहिए, 4, मैंने एंटर कर दिया, ओके। मैं R5 पे भी यही इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि EBGP मल्टी होप 4 कर देता हूँ,
और देखिए अब नेबरशिप अप हो जानी चाहिए, राइट, अब नेबरशिप अप हो जानी चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि ईबीजीपी नेबरशिप है, राइट। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सो आईपी बीजीपी समरी अभी एक्टिव स्टेट में है, आइडल एक्टिव अगेन, डोंट नो ये आइडल स्टेट में क्यों आ रहा है, वेट कर लेते हैं, आइडल स्टेट पे इसको नहीं आना चाहिए, देखिए नेबरशिप आप हो गई, ओके, वेट करना था थोड़ा सा, नेबरशिप आपका आप हो गया, राइट। तो अभी आप एक चीज देखो, ईबीजीपी नेबरशिप, अगर मैं इसको आपको चेक कराऊं, सो आईपी बीजीपी नेबर, तो ये देखिए आपको एक्सटर्नल लिंक शो कर रहा है, मीन्स ई बी जी पी नेबरशिप है, और इधर आपको टी टी एल शो कराता हूँ मैं, इधर देखो, इधर देखो, वेट वेट वेट, देखिए इधर टी टी एल क्या है, इधर टी टी एल फोर है, आपने सेट किया है फोर टी टी एल, बट मैं अब जो पॉइंट बात करने वाला हूँ उस बात को ध्यान से समझिएगा, आपने जो टी टी एल वैल्यू सेट की है फोर है, आपको पता है कि फोर जो हमारा डेस्टिनेशन है वो टी टी एल फोर पे रीचेबल है, तो टी टी एल वैल्यू आपने फोर सेट कर दी, बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, मेन पॉइंट ये टी टी एल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि सपोज कोई भी अटैकर अगर आर फाइव राउटर के साथ ई बी जी पी नेबरशिप क्रिएट कर लेता है, और नेबरशिप क्रिएट करने के बाद ये टी टी एल वैल्यू 255 के साथ कोई इंफॉर्मेशन अपडेट कर तो प्रोसेस कर देगा, राइट, तो फिर ये राउटर क्या करेंगे, सारे प्रोसेस कर देंगे, तो आपको एक सिक्योरिटी ये लगानी है कि जो R1 राउटर है, इस बात को समझिएगा, जो R1 राउटर है, R1 राउटर पे सो आईपी बीजीपी नेबर चेक कराता हूं, डिटेल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है इसको समझिए डिटेल से, देखिए R1 राउटर पे मिनिमम इनकमिंग टीटीएल जीरो ले रहा है, राइट, इसका मतलब आप 10, 12, 15, 2555 TTL तक कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फोर होप का, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो फोर होप काउंट पे है, राइट, तो TTL फोर से ज़्यादा, मतलब 251 या 252 की बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, राइट, तो इसको आपको ऐसे समझ में आएगा, पहले आप इसको रिलेट करिए ध्यान से, किसका जो इनकमिंग डिटेल जीरो है और आउटगोइंग क्या है, फोर है, तो मैं इस कमांड के थ्रू सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टीटीएल सिक्योरिटी लगानी है तो कमांड वही चलेगी, राउटर बीजीपी 100, और आपने ये मल्टी होप वाली कमांड को रिमूव कर देना है, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं लगानी तो विद हेल्प ऑफ मल्टी होप कमांड आप रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर लोगे और ई बीजीपी नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी, ओके, मैं इसको नो करता हूं तो नेबरशिप आपका डाउन होगा, राइट, बोथ साइड आर वन एंड आर टू दोनों पे ही नो करता हूं तो आपका नेबरशिप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ओके, वेट वेट वेट, बीजीपी मल्टी हो फोर किया था मैंने, राइट ना, इसको मैं नो करता हूं इधर से, बोथ साइड मैंने नो कर दिया, ठीक है, अगर ये रिफ्रेश नहीं हो रहा तो मैं इसको क्लियर आईपी बीजीपी करता हूँ, ठीक है, स्टार के साथ, तो ये क्लियर हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा तो नेबरशिप डाउन हो जाएगा, रीजन है उसके पीछे नेबरशिप डाउन होने का, मतलब क्योंकि फिर से जो टीटीएल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, राइट, तो मैं अगर सो आईपी बीजीपी समरी कर लेता हूँ, राइट, तो इधर आप देखिए फिर से आप कहाँ गए, एक्टिव स्टेट के अंदर आ गए, मतलब टीसीपी कनेक्शन की रिक्वेस्ट गई हुई है, ओके, बट कनेक्शन बना नहीं है, राइट, ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, राइट, ओके, तो अभी तो ये चीज़ क्लियर क्या है कि अगर मुझे टीटीएल सिक्योरिटी लगानी है तो उसका तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, नेबरशिप तो अपनी हुई, तो मैं बोथ साइड मैंने ये रिमूव किया हुआ है, इस साइड और उस साइड दोनों, अब आर वन राउटर पे आ जाते हैं और बात को ध्यान से समझिए आप, आर वन राउटर पे मैं जो TTL सिक्योरिटी है उस TTL सिक्योरिटी में होप सेट करने वाला हूँ फोर, तो R1 राउटर क्या करेगा, R1 राउटर फोर होप काउंट तक का ही अपडेट रिसीव करेगा, अगर इधर कोई भी राउटर अटैच करके
इन्फॉर्मेशन भेजता है तो उस इन्फॉर्मेशन को R1 रिसीव नहीं करेगा, वो यहाँ तक रीचेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर कोई अटैकर इधर से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो चीज़ देख रहे हैं हम लोग। ओके, आप R1 राउटर पे एक कमांड चलाइए नेबर, मैं 5.5. को नेबर बना रहा हूँ, और इधर 5.5. में मैं TTL सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ और होप सेट कर रहा हूँ कि मेरा जो होप है वो 4 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होप पे से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे ही मैं होप 4 सेट करता हूँ, अभी होगा क्या, मैं बोथ साइड सेट कर देता हूँ तो आपका नेबरशिप भी अप हो जाएगा, तो राउटर BGP और ये जो TTL सिक्योरिटी है ये आप EBGP नेबरशिप के साथ यूज़ कर सकते हो। राइट, कहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप? EBGP नेबरशिप के साथ। तो राउटर BGP 500 किया मैंने एंड नेबर मेरा 1.1.1.1 है और मैं इधर TTL सिक्योरिटी अप्लाई करता हूँ। राइट, और TTL सिक्योरिटी में मैं होप्स सेट कर देता हूँ 4। ओके, अभी देखिएगा नेबरशिप अप होनी चाहिए। राइट, वेट कर लेते हैं नेबरशिप का। सो IP BGP समरी एक्टिव स्टेट, वेट कर लेते हैं, वेट आइडल, अगेन रीसेट हुई, अब आ जाना चाहिए आपका। ओके, देखिए आपका जो व्हाट हैपन नोटिफिकेशन आया हुआ है, हाँ अब हो गई स्टेट। राइट, आपका मैसेज आ गया, देखिए ध्यान से। ठीक है, स्टेट्स में डिटेल पे नहीं जाना, वो स्टेट्स में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, BGP स्टेट्स। तो अभी BGP नेबरशिप बन चुकी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। जो मैंने आपसे बोला था आपको याद रखना है, सो IP BGP नेबर, इधर आइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इधर देखिए, ये कह रहा है कि मिनिमम इनकमिंग TTL 251 रिसीव करेगा, मिनिमम मतलब 251 TTL के साथ जिसके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रिसीव करेगा। इट मींस अगर कोई R5 के साथ अटैकर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके पास से जो वैल्यू आएगी वो TTL 252 होगी। राइट, TTL मतलब 255 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये तो 4 हो गए। राइट, तो आउटगोइंग क्या है 255, तो आप ये समझिए कि इसका जो मिनिमम इनकमिंग TTL कितना है वो 251 है। इससे नीचे वाले की इंफॉर्मेशन ये रिसीव नहीं करेगा। ठीक, तो पहले TTL क्या था इसका, 0 था, और आउटगोइंग अब कितना हो गया, आउटगोइंग मैक्सिमम TTL क्या है 2555। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर इधर कोई अटैच करता है इंफॉर्मेशन तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 4 ऐड करेंगे 251, मतलब 255 कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप TTL सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। और आपका देखिए EBGP नेबरशिप प्रॉपर काम कर रहा है, ये आपका EBGP नेबरशिप है, एक्सटर्नल शो कर रहा होगा आपका, ये देखिए लिंक। ओके, वर्जन BGP का, राउटर आईडी आपको आइडिया है। ठीक है, ये सारे के सारे अपडेट देखिए, एक अपडेट पैकेट भी गया हुआ है, ओपन पैकेट गए हुए हैं, कीप अलाइव एक्सचेंज हुए हैं। राइट, टोटल इतने पैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, एड्रेस फैमिली के बारे में भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, वर्जन्स का है रोल, ये वर्जन 3 एंड वर्जन 4। ओके, इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर TTL सिक्योरिटी मतलब IGP अलॉन्ग विद BGP IBGP एंड EBGP दोनों कॉन्फ़िगर किए, प्लस EBGP में किस तरीके से आप जो EBGP मल्टी होप काउंट मतलब TTL आप वैल्यू इंक्रीज भी कर सकते हो, और इंक्रीज करने के अलावा अगर आपको इंक्रीज करने के साथ साथ सिक्योरिटी भी यूज़ करनी है तो TTL सिक्योरिटी की हेल्प से अपने नेटवर्क को सिक्योर भी कर सकते हो। राइट, तो इन सारे पॉइंट्स के साथ इस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।